असलम फ्रेंड, मैं हूं लिरदा और आप देख रहे हैं वजीद बाय लवर चैनल। उम्मीद है सब खैर से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, पहले तो मैं माजरा चाहूंगा, मैं वीडियो बहुत देर बाद अपलोड कर रहा हूं। दरअसल टाइम नहीं मिला था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली टाइम मिला, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज की वीडियो में आपके साथ इंक्यूब्यूटर की रिव्यू दूंगा, जो मैंने इंक्यूब्यूटर बनाया था उसका रिव्यू दूंगा। और उसके अलावा जो थर्मोस्टेट है, जो मैं थर्मोस्टेट इसके अंदर इस्तेमाल करवाया था, जो मैंने इंक्यूब्यूटर के साथ जो लगाया था, वो उसकी कुछ सेटिंग है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो चिक्स इसके अंदर से हैच हुए हैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू। अच्छा, तो फ्रेंड ये है वो इंक्यूब्यूटर जो मैंने परचेज किया था, बॉक्स ही आप कह लें, मैंने परचेस किया था क्योंकि जो इसके अंदर चीज़ें लगी हुई थी वो मैंने सारी उतार दी थी। सिर्फ बल्ब लगा रह दिया था और इसके अंदर जो फ़ैन था वो भी नहीं लगा हुआ था, वो मैंने खुद लगाया। और बाकी ये जो W1200A वाली थर्मोस्टेट की किट है, ये मैंने खुद इंस्टॉल की थी इसके अंदर। इसके अंदर जो इंस्टॉल हुआ था वो थर्मोस्टेट वो ये वाला था, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वाला थर्मोस्टेट था। तो ये मैं नहीं इस्तेमाल करवाना चाहता था, मैं ये W1200 वाला इस्तेमाल करवाना चाहता था। तो ये जो थर्मोस्टेट था ये मेरे पास पड़ा हुआ था, इस इंक्यूब्यूटर के अंदर मैंने लगाया था। ये इस वाली इंक्यूब्यूटर की वीडियो भी आपने देखी होगी पिछली वीडियो में। तो ये जो थर्मोस्टेट था ये हो गया था ख़राब, वो उसकी वजह ये थी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मसला आ गया था। वैसे जो थर्मोस्टेट है वो सही से काम नहीं कर रहा था। इसका जो मसला था वो ये था कि जो इसका सेंसर है वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इसकी कुछ ऐसी सेटिंग की थी जिसकी वजह से इसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो चिक्स हैं वो भी हैच हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको इंक्यूब्यूटर अंदर से दिखा देता हूँ कि अंदर से किस तरह से है। ये देखें, ये अंदर से इस तरह से है, एक ट्रे है इसके अंदर, ठीक है। 30 से 35 अंडों की स्पेस है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर छोटे, अगर फैंसी एग हों, बेंटम के एग हों, तो कम से कम 40 एग इसके अंदर इजीली आ जाएंगे, इससे ज़्यादा भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये वाली थर्मोस्टेट मैंने रखा हुआ था एग्जैक्ट टेम्परेचर अंदर का देखने के लिए। और उसके अलावा इसके अंदर ये देखें, एक फ़ैन लगा हुआ है और 2 60-60 वाट के बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक डॉक्टर लगा हुआ है जो ये किट को चलाता है। तो ये भी जो अडोप्टर था ये जल गया था, और ये मैंने नया अडोप्टर लगाया था तकरीबन जिस दिन हैचिंग होनी थी उससे एक दिन पहले ये वाला जो अडोप्टर था ये जल गया था। तो फिर मैंने जल्दी से अडोप्टर चेंज किया था, तो उसके फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन बाद मुझे हैचिंग आनी शुरू हो गई थी। अब मैं आपके लिए थर्मोस्टेट की सेटिंग शेयर करता हूँ। इस थर्मोस्टेट की सेटिंग के हवाले से बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर है, लेकिन जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ शायद ही ये आपने देखी होगी या आपको पता होगा। तो अगर पता होगा तो ज़रूर शेयर करना नीचे कमेंट में, तो अगर नहीं पता तो आपको फ़ायदा होगा। तो पहले तो आपको एक किट का तो पता ही होगा, 3 बटन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो पहला बटन होता है ना, उसको आपने एक बारी प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप प्रेस करके रखेंगे 2 बारी ब्लिंक होगा और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा P0, ठीक है। इसके साथ आपने कुछ नहीं करना, आपने ये वापस आ गया, मैं दोबारा से करता हूँ। 2 बारी ब्लिंक होगा, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने जाना है P4 में, ठीक है। जैसे ही आप P4 पे गए, इस बटन को क्लिक कर दिया और आपके साथ शो का हो रहा है 3.4 माइनस, ठीक है। इसको मैंने माइनस पे सेट किया था, फिर जाके इसका कहीं थर्मोस्टेट सही से काम किया। तो आपने भी इसी तरह से करना है, आपने इस बटन को प्रेस करके रखना है, 2 बारी ब्लिंक होगा, आपने और कोई सेटिंग नहीं करनी। जो इसका डिले टाइम है ना, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ डिले टाइम। अच्छा, जो डिले टाइम है वो P1 में है, जो 0.2 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने जो इसके अंदर टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो 37.8 रखा हुआ था, और जैसे ही 37.6 पे आता था तो अंदर के जो बल्ब थे वो ऑन हो जाते थे। तो इस तरह से मैंने सेटिंग की हुई थी, ये आपको मैं फिर एक बारी दिखा देता हूँ। एक बारी आपने इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको P4 पे ले जाना है, P4 पे जाके आपने इसको ना सेटिंग करनी है इसकी अपने अंदर। जो सबसे जो मेन बात है ना, वो आपने ये देखनी है कि ये वाले थर्मोस्टेट आपके पास हो,
इसके साथ आपने इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। HTC 1 के साथ भी नहीं करनी, किसी और टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ नहीं करनी, आपने इसके साथ इसकी सेटिंग करनी है। आपने देखना है यहाँ पे क्या कौन सा टेम्परेचर आ रहा है, कितना टेम्परेचर अंदर का बता रहा है कि अंदर कितना टेम्परेचर, उसको देखते हुए आपने फिर इसकी सेटिंग करनी है। या अगर कोई कम बता रहा है तो आप उसको माइनस पे ले जाएं, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर ये 37.7 बता रहा है, ठीक है, तो अगर इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 ये शो नहीं कर रहा, 37.5 शो नहीं कर रहा, कम से कम वो 35 शो कर रहा है या 30 शो कर रहा है, तो आपने इसको माइनस पे कर देना है। यहाँ पे आपने इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। आपने चले जाना है P4 में, वहाँ से आपने इसको माइनस या प्लस करना है, जिस तरह से भी आप इसको देखते हुए कि अंदर का टेम्परेचर कितना बता रहा है तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके एग हैच होंगे, आपका इंक्यूबेटर है वो 100% रिजल्ट देगा। इस इंक्यूबेटर से जो चिक्स हैच हुए थे वो मैंने एक अलहदा बॉक्स में रख दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। ये एक बॉक्स है जिसमें मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है ताकि इनको अंदर गुरमाइश मिले, और तकरीबन मेरे पास इस टाइम 7 चिक्स हैच हुए थे, 12 एग रखे थे जिसमें से 7 चिक्स हैच हुए हैं, बाकी जो एग थे वो अनफर्टाइल थे। तो अनफर्टाइल का मसला बहुत आया क्योंकि जो एग थे वो मेरी अपनी मुर्गियों के नहीं थे, तो फिर भी माशाल्लाह से मैं बाहर से एग परचेज किए थे, फिर भी माशाल्लाह से 7 चिक्स हैच हुए हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी सी थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और उसके अलावा अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाए, फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।